टी न्यूज संवाददाता रवि त्रिपाठी हमारे साथ बेंगलुरु से लाइव जुड़ रहे हैं। रवि, आप शुरुआत से कह रहे थे कि सिद्धारमैया ही मुख्यमंत्री होंगे, जमीन पर उन्हीं का पलड़ा भारी है और आपकी खबर पर मोहर भी लग गई है। मेरा सवाल अब आपसे यह है कि यहां से तो सारा रायता सिमट गया है, अब सब कुछ उठकर कर्नाटक पहुंचने वाला है। जो आज विधायक दल की बैठक होने वाली है उसमें सब कुछ स्मूथ होना है, जैसा कुछ दिखेगा वैसा कुछ होगा भी आगे। लेकिन मैं जानना यह आपसे चाहती हूं कि डीके शिवकुमार को जो उप मुख्यमंत्री पद के लिए तैयार कर लिया गया है, क्या अंदर खाने कोई अंडर करेंट, कोई असहजता आपको दिखाई दे रही है उनके समर्थकों में, उनके कार्यकर्ताओं में? बिल्कुल बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा है, क्योंकि अभी जैसे मैं आया हूँ, ये कांग्रेस दफ्तर है, पीछे ये आपको कांग्रेस दफ्तर का बैक साइड है और जिस जगह पे विधायकों की बैठक होनी है, मैं ये तस्वीर दिखाना चाहूँगा। देखिए, सिक्योरिटी की पूरी तैयारी है, ये सिक्योरिटी है, तमाम विधायक आने वाले हैं, 135 विधायक आएंगे। और चूँकि मुख्यमंत्री अब सिद्धारमैया लगभग तय है, उनके नाम का ऐलान यहाँ होगा। तो ये इंदिरा गांधी भवन है, ये इंदिरा गांधी भवन है जो कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही बना, इसका उद्घाटन हुआ और इसी में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी अभी, जिसमें ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, यहीं विधायकों की बैठक होगी। लेकिन जैसे ही मैं इस दफ्तर में आया हूँ, वैसे ही दो तीन लोगों से बात हुई और दोनों तीनों लोगों के जो पार्टी ऑफिस में काम करते हैं, पार्टी के पदाधिकारी भी हैं, उनके मन में बहुत खुशी नहीं थी इस बात को लेकर। उनको कहीं ना कहीं लगता है कि कई लोगों की डीके शिवकुमार अगर सीएम बनते तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन पार्टी ने तय किया है और पार्टी ने तय किया है तो उनको काम करना पड़ेगा। लेकिन चेहरे पे मन में एक उदासी है, जो कांग्रेस का वर्कर है, खासतौर पे जो यूथ कांग्रेस का है, जो कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ आदमी है, उसको ये लगता है। और बोकालिका समाज के लोग, उनको भी लगता है कि उनके साथ कहीं ना कहीं अन्याय हो गया है, उनको मौका मिलना चाहिए था। सिद्धारमैया को तो पहले मौका मिल चुका है, सीएम भी रह चुके हैं, पार्टी में विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं, ये मौका जो है कम से कम डीके शिवकुमार को मिलना चाहिए था। ये तैयारी दिखाना चाहेंगे आपको, ये तैयारी देखिए। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि कुर्बा जाति से क्योंकि सिद्धारमैया आते हैं और 30% ओबीसी वोट बैंक है, 2024 को देखते हुए 11-13% जो वोकालिंगा वोट है उसकी तुलना में ये जो पलड़ा है वो भारी है, और सिद्धारमैया की जिस तरीके की लोकप्रियता है कर्नाटक में उसको देखते हुए कांग्रेस कोई भी शायद रिस्क भी नहीं लेना चाहती थी। बहुत बहुत धन्यवाद रवि त्रिपाठी, मैं फिर आपका रुख करूंगी जैसे कोई अपडेट होगा। और जी न्यूज़।